अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शौनक जी, भगवान श्री गणेश जी देवगढ़ों में प्रथम पूज्य होने की कथा यहां पूर्ण हुई। ब्रह्मा जी ने समस्त देवतागणों को बुलाकर यही परामर्श दिया कि यदि उन्हें क्षमा याचना चाहिए तो देवी पार्वती की शरण में ही जाना होगा। हे महर्षि, आपने जिस सुंदरता से हमारे समक्ष पुराणों को आधार मानकर गणेश जी की कथा का वर्णन किया है उसने हमारे ज्ञान प्यास को और बढ़ा दिया है। यदि इस पावन पुनीत कथा को हमारे सामने आरंभ से कहेंगे तो हम ऋषिगणों पर आपकी अति कृपा हो। मुझे ज्ञान था शौनक ऋषि, आप यही कहेंगे। कहिए, इस पुनीत कथा का आरंभ कहां से करूं? मुनिवर, मां पार्वती और महादेव के विवाह के पश्चात ही गणेश्वर का जन्म हुआ। यदि आप हम ऋषिगणों को देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती के मिलन की कथा का वर्णन करें कि किस तरह से मां पार्वती और श्री महादेव जी का मिलन हुआ तो हम ऋषिगणों पर आपकी अति कृपा होगी। शौनक ऋषि, ये पावन कथा मां पार्वती और महादेव के मिलन से लेकर गजानन गणेश्वर के जन्म तक बड़ी ही रोचक है, जिसका वर्णन मैं आपके समक्ष अवश्य करूंगा। इस पवित्र कथा का आरंभ इस प्रकार होता है, जब समस्त असुर अपनी कठोर तपस्या के द्वारा देवताओं से अधिक शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा में तप और समाधि में बैठे हुए थे। उन्हीं असुरों में से एक असुर था तारकासुर, जो अपनी कठोर तपस्या के द्वारा देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहता था। ओम ब्रह्म देवाय नमः, 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 ओम ब्रह्म देवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं। यदि किसी वर की अभिलाषा है तो शीघ्र मांगो। प्रभु, मैं अमृत को चाहता हूं। ऐसा वर दीजिए कि सृष्टि के किसी प्राणी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। अमृत वरदान तो अप्राप्य है। जन्म लेने वाले हर प्राणी को मरना ही पड़ता है, और फिर अमृत का वरदान तो मेरे हाथ में भी नहीं है। उस पर एकमात्र अधिकार परम ब्रह्म श्री विष्णु का। मैं तो केवल करता हूं। जगत की नियंता तो जगदीश्वर ही है। तो क्या मेरी तपस्या निष्फल रही प्रभु? क्या मुझे मेरी साधना का कोई फल नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है बस, तुम्हारी कठिन तपस्या ने तो स्वयं मुझे भी जीत लिया है। एक अमृतत्व का वरदान छोड़कर और कुछ भी मांग लो। तो फिर मुझे त्रिलोक विजेता होने का वरदान दीजिए प्रभु। स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी पर मुझसे जीतने वाला और कोई योद्धा न हो। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा।
बंधुओं, लगता है आज तो तुम्हारी प्रसन्नता अपने सारे बांध ही तोड़ देगी। असुरों पर ये अपनी कौन सी विजय का उत्सव मना रहे हो? ये असुरों पर विजय का उत्सव नहीं, ये असुर राज तारकासुर की विनाश लीला है। देवजी, देवताओं के घर में असुरों की विनाश लीला? नारायण नारायण नारायण। देव बंधुओं, फिर तो तुम सब के सब अपने अपने छुपने का स्थान ढूंढ लो। नहीं देवऋषि, हमें छुपने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शीघ्र ही इस असुर की मृत्यु होने वाली। अच्छा, कौन देगा उसे मृत्यु? देवराज इंद्र इसका वध करेंगे। क्या आप देवराज के पराक्रम से परिचित नहीं? आपने बिल्कुल ठीक कहा बंधु। दिन रात सुरापान करके अप्सराओं के रास रंग में डूबे इंद्रराज अब वास्तव में महाशक्तिशाली हो चुके हैं। आप कटाक्ष कर रहे हैं देवर्षि। मेरा भला आपसे कोई बैर है बंधु जो मैं कटाक्ष करूंगा? आप कहीं जा रहे थे देवऋषि? हाँ, ऋषियों का महायज्ञ देखने जा रहा हूँ, जहाँ आपके देवराज इंद्र से भयभीत होकर असुरराज तारकासुर अभी पुष्प वर्षा करने वाले हैं। नारायण नारायण बृहस्पति देवाय स्वाहा का विषय है कि ब्रह्मदेव ने प्रार्थना के वशीभूत होकर तारकासुर जैसे दानव को
त्रिलोक विजेता का वर प्रदान किया और वरदान की इस अजय शक्ति को लेकर वो दुराचारी दानव किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए इस दरबार में देव मंडली के सम्मुख मैं दानवीय आक्रमण के मुकाबले की संभावनाओं पर विचार प्रकट करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसमें प्रस्ताव रखने की आवश्यकता ही क्या देवराज? त्रिलोक में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति और सत्ता के सम्मुख टिक सके? हाँ देवराज, आपने बड़े बड़े असुरों और गंधर्वों को पल भर में परास्त कर अपनी कीर्ति के शिखर खड़े किए हैं, फिर एक साधारण दानव से इस तरह भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? मैं भयभीत नहीं हूँ अग्निदेव। मैंने तारकासुर जैसे दुराचारी दानव को कितनी ही बार अपनी बाहुबल शक्ति से समर भूमि छोड़ने पर विवश किया है, मगर इस समय प्रश्न दूसरा है। प्रश्न है ब्रह्मदेव की वरदान की शक्ति का। ब्रह्मदेव ने दानवराज तारकासुर को त्रिलोक विजेता होने का वरदान दिया है, अमरत्व का नहीं। तारकासुर जैसा असुर तो मेरे इंगित मात्र से ही दहकती अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। आप निर्भय रहिए देवराज, तारकासुर तो मेरी वेगवान धारा में बहकर महासागर में विलीन हो जाएगा। और फिर देवराज, ये सत्य तो सर्वविदित है कि देवासुर संग्राम में विजय हमेशा देवताओं की हुई है। देवराज इंद्र! देवराज, तुम्हारी ये रंगशाला तो निश्चित ही मन को लुभाने वाली है, और इन सुंदरियों के रूप के तो क्या कहने। तारकासुर! देवराज इंद्र, अब तो तुम अपनी इस देव मंडली के साथ कहीं दूर चले जाओ और अपना ये सिंहासन मुझे सौंप दो, क्योंकि अब इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। अधिकार? तुम्हारे अधिकार में केवल तुम्हारी मृत्यु है तारकासुर, जिसे तुमने मेरे दरबार में आने की धृष्टता करके स्वयं ही आमंत्रित किया है। देवराज, तब तो मैं तुझे मार कर इस स्वर्ग और इन सुंदरियों का उपभोग करूंगा। सावधान नागर, मैं तुम्हें अभी मृत्यु के द्वार तक पहुंचाता हूं। Ha 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 ha!
घबराओ नहीं सुंदरियो, मैं भी तुम्हारे रूप का उतना ही प्यासा हूँ जितना कि ये देवराज इंद्र। इंद्र की अप्सराओं के नृत्य के चर्चे तो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। आज तुम्हें अपना यह नृत्य तारकासुर के लिए करना होगा। चला गया, जाओ देवराज इंद्र जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। और जाकर संपूर्ण देवताओं को सूचित करो, यह उनका स्वामी तारकासुर है। मैं बड़ी तारकासुर आयुष्मान भाव, क्या बात है देवराज? आप सभी देवगण बहुत घबराए हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्या संकट की किसी काली छाया ने देवलोक पर आक्रमण किया है? देवलोक की सत्ता असुर राज तारकासुर के हाथों विकसित हो चुकी है ब्रह्मदेव। उस नराधम ने मेरे सिंहासन और देवलोक के अप्सराओं का अपमान किया है। देवलोक की पवित्रता और सुकृति को ग्रहण लग चुका है ब्रह्मदेव। हाँ ब्रह्मदेव, असुर राज की अजय शक्ति ने हमारी अपराजित प्रतिष्ठा और निष्ठा पर अट्टहास किया है। और दुखद सत्य तो ये है ब्रह्मदेव कि इसके मूल में है आप द्वारा तारकासुर को दिया हुआ त्रिलोक विजेता होने का वरदान। देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, देवलोक की मर्यादा और सृष्टि के हितों के विरुद्ध आपने एक अज्ञानी असुर को एक शक्तिशाली वर देकर अपने जगत पिता के कर्तव्य को निसंदेह प्रताड़ित किया। देव बंधुओं, आपकी पीड़ा जनक पुकार और आरोपों को मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु आप लोगों को एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्राणी का कठोर तप देवताओं को वरदान देने पर विवश कर देता है और उस समय भविष्य की नियति को तप का आवरण ढक लेता है। यही त्रिलोक की लीला है, जगत का रहस्य जिसे केवल मैं जानता हूं, क्योंकि मैं स्वयं ही करता हूं। और निकट भविष्य में आप लोग इस रहस्य से अवश्य परिचित हो जाएंगे। यदि ये आपकी लीला है तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव कि देवलोक की मर्यादा और सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है? हे श्रेष्ठ, हमें दिशा दिखाइए। हाँ ब्रह्मदेव, हमें तारकासुर के वध का कोई उपाय बताइए। तारकासुर का वध अवश्य होगा, क्योंकि इसका विधान मैंने पहले से ही बना रखा है। किंतु तारकासुर का वध साधारण प्राणी के हाथों से संभव नहीं है। उस असुर का वध तो गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के पुत्र के हाथों से संपन्न होगा। तारकासुर को वरदान प्राप्त होने के तत्काल पश्चात ही गिरिराज हिमालय की पत्नी मीना ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया, वही कन्या पार्वती है। किंतु ब्रह्मदेव, क्या गिरिराज हिमालय को अपनी इस कन्या के भविष्य का किंचित ज्ञान है? हाँ देवराज, त्रिकालदर्शी देवऋषि नारद ने कन्या के जन्म के उपरांत ही गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मीना को इस कन्या की विशेषता का संपूर्ण ज्ञान करा दिया है। मेरी प्यारी कन्या, प्यारी प्यारी कन्या, हमको भी दुलार करने दीजिए महारानी जी। अवश्य महाराज। नारायण 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 नारायण। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान देव ऋषि, आपके आने का कोई विशेष कारण? नारायण नारायण, हम तो कन्या जन्म का समाचार सुनकर उपस्थित हो गए राजन। हम धन्य हुए देव ऋषि, हमें अपनी पुत्री के लिए
आपके आशीर्वाद की अभिलाषा है। राजन, आपकी पुत्री को हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, इसके ललाट पर तो स्वयं विधाता ने भाग्य की सुंदर सुंदर रेखाएं अंकित की हैं। आप त्रिकाल दर्शी हैं, ऋषिदेव। आपने अवश्य मेरी पुत्री के भाग्य में कोई शुभ लक्षण देखे होंगे। एक माँ होने के नाते मैं अपनी पुत्री का भविष्य जान सकती हूँ? नारायण नारायण, इस कन्या का तो जन्म ही एक उत्तम प्रयोजन के लिए हुआ है महारानी। इसका आयुष्मान पुत्र दुराचारी दानव तारकासुर का संहार करेगा। देवर्षि, यदि यही मेरी पुत्री के भाग्य में है तब तो उसे उत्तम पति की आवश्यकता होगी। इसे उत्तम वर ही मिलेगा महारानी। त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय पुरुष इस कन्या का पति होगा। आप तो सब जानते हैं देवर्षि, कृपा करके हमें उस महापुरुष का नाम बताइए। नारायण नारायण नारायण, भला विधाता की आज्ञा के विरुद्ध मैं उसका नाम कैसे ले सकता हूँ? और फिर राजन, अभी तो देवता स्वयं भी नहीं जानते कि वो महापुरुष इस कन्या से विवाह करेंगे भी या नहीं। क्यों ऋषिदेव, वो हमारी कन्या से विवाह क्यों नहीं करेंगे? यही तो परमेश्वर की लीला है महारानी, इसे तो देवतागण स्वयं भी नहीं समझते। नारायण 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 नारायण। किंतु पार्वती का ब्याह किससे होगा ब्रह्मदेव? वह तो केवल भगवान शिव ही हैं देवराज, जिनका कुमारी पार्वती से विवाह हो। लेकिन चिंता का विषय यह है, इस समय भगवान शिव गंभीर समाधि की अवस्था में हैं, उन्हें जागृत नहीं किया जा सकता। किंतु ब्रह्मदेव, सृष्टि और देवलोक के मर्यादा की रक्षा के निमित्त आप तो शिव जी को इस समाधि से जगा ही सकते हैं। हाँ देव श्रेष्ठ, ये पवित्र कार्य तो आपको करना ही होगा। नहीं, ये मेरी शक्ति और सामर्थ्य से बाहर है। अब तो विष्णु ही हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वही तो जगत के नियंता है। हमें तत्काल क्षीर सागर पहुंचकर उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। नारायण 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 नारायण। प्रभु, शीघ्र ही मृत्यु लोक के ऋषिगण, देवलोक के देवता और स्वयं देवराज इंद्र आपकी शरण में पधारने वाले हैं। देवता और ऋषिगण, लेकिन क्यों देवर्षि? ऐसा क्यों है देवर्षि कि आप जब भी आते हैं कोई ना कोई समस्या लेकर ही प्रस्तुत होते हैं? नारायण नारायण देवी, आप तो जानती हैं मैं शांति से हमेशा दूर रहता हूँ, फिर बार बार आप यही प्रश्न मुझसे क्यों पूछती है देवी? आप देवलोक में शांति क्यों नहीं चाहते देवर्षि? क्या देवासुर संग्राम में आपकी कोई विशेष रुचि है? नारायण नारायण प्रभु, संग्राम से भला मेरा क्या प्रयोजन हो सकता है? वो तो आपके परम आदरणीय देवताओं के भाग्य की वस्तु है। आपकी बात हमारी समझ में आ रही है देवर्षि, किंतु इस समय देवताओं और ऋषिगण के आगमन का कारण क्या हो सकता है? समस्या तो वही पुरातन है प्रभु, दुरात्मा असुर तप करते हैं और महात्मा देवगण उन्हें वर प्रदान करते हैं, और फिर असुर देवों को परास्त कर उनका देवत्व छीन लेते हैं, और तब देवता किसी अबला नारी की तरह रोते चीखते छाती पीटते आपकी शरण में आ धमकते हैं। ना ना, आप किंचित उदास न हो देवी, क्षीर सागर तक असुर नहीं देवता ही आएंगे। हमें ना ही किसी असुर से भय है और ना ही आपकी बातों से प्रयोजन। नारायण नारायण नारायण, लगता है आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं देवी। ठीक है, आप स्वयं ही देख लीजिए। प्रभु, असुर राज तारकासुर ने देवलोक छीन लिया है। असुर राज तारकासुर ने हमारे महायज्ञ को अपवित्र कर दिया। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। वरदान किया जाए शक्ति पाकर असुर राज तारकासुर महाशक्तिशाली दानव बन चुका है, उसके वध का उपाय बताइए विष्णुदेव। किंतु देवराज, तारकासुर का ऐसा अनिष्टकारी वरदान किसने प्रदान किया? विष्णुदेव,
यह अनिष्टकारी वरदान तारकासुर को मैंने ही प्रदान किया था। एक समय पृथ्वी पर तारकासुर ने बहुत कठोर तप किया था। और तप तो देवताओं को वैसे ही बहुत प्रिय है प्रभु। आदरणीय ब्रह्मा जी ने अपने भक्त को इसलिए ये वरदान दिया था ताकि एक दिन वो देवलोक से इन्हें ही निष्कासित कर दे। आदरणीय ब्रह्मा जी, तप से प्रभावित देव बंधुओं द्वारा समय समय पर असुरों को दिए गए वर हमेशा अनिष्टकारी सिद्ध हुए हैं और ये प्रक्रिया फिर भी चलती आ रही है। अब आप ही बताएं ब्रह्मदेव, ऋषि गणों और इस देवलोक की पीड़ा का आपके पास क्या उपाय है? विष्णुदेव, हिमालय पुत्री पार्वती और शिव जी की संतति ही इस असुर का वध कर सकेगी। किंतु शिव तो कठोर तप में लीन है ब्रह्मदेव। धर्म पत्नी गिरजा के आकस्मिक मृत्यु से शिव ने कभी विवाह न करने का फैसला कर लिया। दक्ष पुत्री गिरजा ने ही पार्वती के रूप में हिमालय के घर में अवतार ले लिया है। विष्णुदेव, शिवजी और पार्वती का विवाह संभव नहीं है, अपितु अवश्यंभावी। नारायण 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 नारायण। देव बंधु, आदरणीय ब्रह्मदेव का विधान सत्य है, किंतु कुमारी पार्वती अपने विगत जन्म को भूल चुकी है। उन्हें शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा, इसलिए शिव की समाधि तोड़ना आवश्यक है। समाधि से जगे शिव यदि पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में देख सके तो ये कार्य अवश्य संभव होगा। परंतु ये कैसे संभव होगा भगवान? शिव जी को समाधि से जगाना कठिन ही नहीं, अत्यंत दुष्कर है। इस कार्य के संपादन के लिए आपको कामदेव की सहायता लेनी होगी। पार्वती को शिव भक्ति के लिए प्रेरित करने में हम लक्ष्मी जी की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। देवी देवताओं की सहायता के लिए आपको तत्काल पार्वती के पास जाना होगा। क्या आप स्वीकार हैं? आपकी आज्ञा शिरोधार्य होकर पार्वती के मन में शिव के प्रति प्रेम और भक्ति में अवश्य जगाऊंगी। से बहुत प्रेम है। ये लो, ये मनोहर पुष्प मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। आप कौन है साध्वी? आपके पुष्प तो अति सुंदर हैं। इन पुष्पों की महक लो बालिके, तुम्हारे मन को तृप्ति मिलेगी। ये तो दुनिया की सबसे मनोहर पुष्प है साध्वी, तुम इन्हें कहाँ से लाए? बोलो साध्वी, क्या तुम मुझे स्थान का पता नहीं बताओगी? राजकन्या, ये पुष्प फूल पुरुष भगवान शिव के निवास स्थान के ही हैं, और इन पुष्पों में शिव के ही शरीर की पावन सुगंध और उनके सौंदर्य की छाया भी। क्या क्या इन पुष्पों में शिव का सौंदर्य है? तब तो वो अति सुंदर होंगे। अवश्य बालिका, शिव के समान सुंदर तो इस त्रिलोक में कोई पुरुष ही नहीं। उनके पुरुषार्थ की महिमा तो स्वयं भगवान भी करते हैं। इतने सुंदर, इतने मनोहर कि स्वयं कामदेव का सौंदर्य भी नग्न दिखता है। जोगिन, क्या मैं उन्हें एक बार देख सकती हूँ? अवश्य बालिके, अवश्य। इस समय वे महातप में लिए हैं और उनका पुरुषार्थ उनके चेहरे पर ओस बन के चमक रहा है। मैं उनकी भक्तन हूँ और उन्हीं के काम से लौटी हूँ, और मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें एक अति सुंदर पति की पत्नी बनने का वरदान भी देंगे। और ये भी हो सकता है कि रुकोगे कहीं ना। मेरे मात्र कहने से क्या होगा बालिके? उनके जैसा पति पाना तो महामोक्ष प्राप्त करने के समान है, किंतु उसके लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता है। मैं उनकी पूजा करूंगी, उन्हें प्रसन्न करूंगी, ये मेरा संकल्प है। मैं उनकी धर्मपत्नी अवश्य बनूंगी। मेरा प्रयत्न तो सफल रहा,
देवराज इंद्र भी अब तक तो कामदेव को मना ही चुके होंगे। हमने प्रत्येक स्थान तलाश कर लिया है देवबंधुओं, किंतु कामदेव का तो कहीं पता नहीं चला। प्रातः कामदेव, प्रणाम इंद्रदेव। देवराज, आप और मेरे उपवन में क्या कोई विशेष प्रयोजन है? प्रातः कामदेव, तारकासुर वध के निमित्त भगवान विष्णु ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अपने काम बाणों से तपस्यारत भगवान शंकर को जागृत कर उन्हें पार्वती के प्रणय में लीन होने को बाध्य करो बंधु। नहीं नहीं देवराज, ये मुझसे नहीं हो सकता। भगवान शिव इस समय महातप में लीन है, उनकी तपस्या को भंग करना तो महापाप होगा। किंतु सृष्टि के भलाई और देवलोक के निमित्त तुम्हें ये कार्य संपादित करना ही होगा। और फिर ये तो भगवान विष्णु का आदेश है जिसका पालन तुम्हें करना ही होगा बंधु। तुम्हें हमारे साथ उस स्थान को प्रस्थान करना ही होगा जहाँ कैलाश पर्वत पर परम शिव अपनी कठोर साधना में लीन है। ये तो जोगन का दिया हुआ वही पुष्प है, उतना ही सुंदर, उतना ही मनोहर। ये विशाल शरीर, पुष्ट हो जाए, ये तो सचमुच पूर्ण पुरुष है। योगी ने सच्ची कहा था, इन्हें देखकर तो स्वयं हृदय भी नहीं लौट सकती। मुझे इन्हें प्रसन्न करना ही होगा। जीवन का मान भी नहीं जानती। मैं तो ये भी नहीं जानती कि आप मेरी प्रीति का उपहार
स्वीकार करेंगे भी या नहीं, फिर भी मैं आपके चरणों में आई हूँ अपनी भावना के फूल लेकर, अपनी श्रद्धा का विश्वास लेकर। आप तो परमशिव है, पूर्ण पुरुष, आंखें खोले बोले एक नारी की प्रीति और भक्ति को स्वीकार कीजिए। किस विधि से आपकी पूजा करूं प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, कि तो मन ही मन में मैंने आपके इस रूप को स्वीकार कर लिया। अब इन्हीं चरणों में बैठकर मैं आपके जागृत होने तक प्रतीक्षा करूंगी।